दुआ कर देंगे, कल से प्रैक्टिस करेंगे नया, आज हम इसे पूरा कर देंगे, कल से कुछ नई चीज डिस्कस करेंगे। बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें और करते हैं इसी में, जिससे कि आप लोग कर सकें, इसी में छोटी छोटी कहानियां करते हैं। जैसे एक चीज आती है स्टेरिक इफेक्ट, इसको बहुत अच्छी तरह समझो और यहीं पर समझ लो। स्टेरिक इफेक्ट केमिस्ट्री में ये वर्ड बार 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 आता है, मतलब मैं आपको कह नहीं सकता हूं कितनी बार आता है। इसका कोई बहुत ज्यादा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ये टफ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, एप्लीकेशन बहुत है। तो इसलिए इसके एक एक चीज को समझो कि आखिर है क्या। फर्स्ट थिंग, हिस्टेरिक इज डराइव्ड फ्रॉम स्टीरियो। बच्चों ये आया कहां से है? स्टीरियो से आया है। और स्टीरियो का मतलब क्या होता है? विच मीन्स थ्री डायमेंशनल। स्टीरियो की हमेशा ही एक मीनिंग हुई है, वो है थ्री डायमेंशनल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेरिक वर्ड जो आया है वो थ्री डायमेंशन से आया है, और जिसका मतलब होता है, मतलब ये स्टेरिक स्टीरियो से आया है जिसकी मीनिंग है थ्री डायमेंशनल। अब आप देखो पॉइंट नंबर टू, द इफेक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल क्राउडिंग ऑफ एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको अपने दिमाग में रख करके चलनी है। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो यहां पर बल्कि ग्रुप लिखना नहीं भूलते, बल्कि ग्रुप लिखते ही हैं और एक दिमाग में चीज बैठा देते हैं कि जब बल्कि ग्रुप आएगा तभी स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। आप बहुत 11th में पास होकर के आए हो, 11th में बहुत अच्छे टीचरों से पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि बल्कि ग्रुप कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं कि बल्कि ग्रुप होना चाहिए। कंडीशन क्या है? थ्री डायमेंशनल भीड़ भाड़ हो जाए, क्राउडिंग हो जाए। तो थ्री डायमेंशनल भीड़ भाड़ की, थ्री डायमेंशनल क्राउडिंग की जो उसका इफेक्ट आएगा उसको स्टेरिक इफेक्ट कहेंगे। और मैं और अगर गहराई में जाऊं तो जब थ्री डायमेंशनली दो ग्रुप्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, वो ग्रुप्स हो चाहे एटम्स हो, ग्रुप्स भी हो सकते हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, एक दूसरे को नियरली ओवरलैप करने लग जाते हैं, तो उस केस में इस जो ओवरलैपिंग से इफेक्ट जनरेट होता है उस इफेक्ट को स्टेरिक इफेक्ट कहा जाता है। बच्चों हाइड्रोजन भी स्टेरिक इफेक्ट शो कर सकता है। हाँ जी, ये आपको ताज्जुब लगेगा लेकिन आप टेंशन मत लो, जैसे ही मैं आईआईटी लेवल की एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, एरोमेटिसिटी में दो जगहों पर मैं हाइड्रोजन का स्टेरिक इफेक्ट कराऊंगा। फिलहाल यहां पर कॉमन से एग्जांपल्स कर लेते हैं, लेकिन जब आईआईटी एडवांस लेवल की मैं आपको कराऊंगा वहां पर हाइड्रोजन एच, एच सबसे छोटा एटम होता है, उस एच की मैं आपको स्टेरिक क्राउडिंग कराऊंगा, तब आपको मजा आएगा। यहां पर बता रहा हूं केवल। अब बच्चों क्वेश्चंस पर चलो और डिस्कस करो। अगर आपको ये दो पॉइंट क्लियर है तो स्टेरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस आप कर पाओगे,
लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। ध्यान दो, सबसे पहले आप बेंजीन पर चलो, नोट जरूर करते रहो। जब आप बेंजीन पर चलेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि बेंजीन रिंग जो होती है वो प्लेनर होती है। ये बेंजीन रिंग प्लेनर है। क्यों प्लेनर है भाई? ये sp2 है, 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 ये sp2 है। आप इसे और अच्छी तरह से समझना चाहो तो ये कुछ यहां पर इस तरह से चलता है। हालांकि इतना कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते ही हो तो कोई इशू नहीं है, इसे आप कर लो। यहां पर आप एच को भी सो करो, एच एच को भी सो करो, एच बिना एच के काम नहीं चलेगा। इस एच को भी सो कर रहे हैं तो भाई साहब सिग्मा सिग्मा और सिग्मा क्या दिक्कत है? हो गया ना sp2, सिग्मा 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 हो गया sp2। हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो आप कह सकते हैं बेंजीन रिंग इज प्लेनर। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आप इसको ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में ले लो तो थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाना चाहिए। इस ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में ले सकते हैं आप तो फिर उस केस में थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप बोलिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बोलोगे जरूर, आप मैसेज कर दो तो भी चलेगा। ऐसे आपको रेजोनेंस चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो इसीलिए इशू नहीं बनेगा, रेजोनेंस आपका हो चुका है, पहले ही हो चुका है, तो फिर इशू नहीं बनता है। आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। किस तरीके से भाई? यहां ऐसे ऐसे, और अगर आप हाइब्रिड ड्रॉ करें, इसका हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो हाइब्रिड में तो आप इसे इस तरह से शो कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बचती है। इस तरीके से शो कर सकते हो, हाइब्रिड की तो कहानी बड़ी आसान होती है। हाइब्रिड में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो हाइब्रिड में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये यहां पर इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये और कहां चला गया? इसके साथ। थोड़ा सा और चलते हैं तो जब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो पता ये चलेगा कि ये तो भाई पूरी तरह से प्लेन है, और एक ऊपर का क्लाउड ऐसे और एक क्लाउड ऐसे। ये अपर साइड का क्लाउड है, लोअर साइड का क्लाउड है, तो ये बात पक्की हो गई कि भाई साहब बेंजीन रिंग जो होती है वो पूरी तरह से प्लेनर होती है, बेंजीन रिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो बोलो, आई थिंक डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम बाइफिनाइल की बात करते हैं। बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, कुछ भी कह दो, बाइफिनाइल कहो, डाइफिनाइल कहो, मैं इसको अभी नहीं रब करता। तो डाइफिनाइल की बात करो, डाइफिनाइल कुछ भी तो नहीं है, ये डाइफिनाइल है इस तरीके से कुछ। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? ये आपका डाइफिनाइल है ऐसे कुछ, ये भी प्लेनर है। आप कह सकते हैं अगर ये प्लेनर है तो ये भी प्लेनर है,
आप इसमें इस तरह से कहकर चलो कि बोथ रिंग्स आर कोप्लेनर, दोनों ही रिंग्स कोप्लेनर है, इनकी प्लेनरिटी में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रिंग्स प्लेनर है। मेरे बच्चों, अगर आप बाइफिनाइल की बात कर चुके हो तो थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आप और आगे चलो, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल की बात करेंगे या स्टेरिक क्राउडेड बाइफिनाइल की बात करेंगे। आप स्टेरिक क्राउडेड बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल की बात करेंगे, अब यहां पर थोड़ा चेंज आएगा, उस चेंज को फील करने की कोशिश करना। ध्यान दीजिए, इस चेंज को फील करने की कोशिश कीजिए, ऐसे कुछ ठीक है। ये डाइफिनाइल है, मैंने यहां पर भी CH3 ले लिया, मैंने यहां पर CH3 ले लिया, इसके बाद मैंने यहां पर CH3 ले लिया और यहां पर भी मैंने CH3 ले लिया। इन चारों पॉइंट्स पर CH3 लिया, काफी ज्यादा क्राउडिंग करने की मैंने कोशिश करी। यहां पर ये क्राउडिंग है, ये क्राउडिंग है, काफी क्राउडिंग करने की कोशिश करी। और मेरे बच्चों, ये इस तरह से क्राउडिंग है, मेरी बातों को सुनो, ये इस तरह की क्राउडिंग है कि अप्रोक्सीमेटली ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ध्यान दीजिए, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, ये इतने नजदीक हैं, ये नियरली ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग की सिचुएशन बन रही है इनकी, ये इतने नजदीक हैं कि ओवरलैप करने पर उतारू है, और अगर ये ओवरलैप करेंगे फिर प्लेनरिटी नहीं रहेगी। आपको अभी बहुत लंबा पढ़ना है, मेरे से ही पढ़ना है आपको, और उसमें मैं आपको आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगा, स्पेशली जब मैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो उसमें इस तरह की चीजें बार बार आएंगी। और ये जो आपके JEE मेन और एडवांस लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये आता रहता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप कर रहा है और कहीं ना कहीं ये भी ओवरलैपिंग की स्टेज में भी है, ये भी कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है, ये भी कहीं ओवरलैपिंग कर, तो होगा क्या? ये ओवरलैपिंग से जो रिपल्सन जनरेट हो रहा है, इससे होगा क्या? होगा क्या बच्चों, जरा ध्यान दो, ये चीज 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी। ध्यान दीजिए, 90 डिग्री रोटेशन है, मैं रोट लिख देता हूं तो रोटेशन समझ लो आप। अगर ये 90 डिग्री रोटेट कर रही है कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो एक रिंग का एक पार्ट प्लेन के बाहर आ जाएगा, दूसरा पार्ट प्लेन के बिहाइंड चला जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा सीन डेवलप होगा इस तरीके से, एक पार्ट प्लेन के फ्रंट पर आ गया, ऐसे ये फ्रंट पर आने वाला पार्ट है, लेकिन ये किसी एक रिंग का आएगा, ये प्लेन के फ्रंट पर आने वाला पार्ट है इस तरीके से कहीं पर, और एक पार्ट प्लेन के बैक साइड में कहीं पर चला जाएगा ऐसे इस तरीके से, यहां पर चला जाएगा। आप देखो, यहां पर ए ये प्लेन के फ्रंट की तरफ आ रहा है और ये पार्ट प्लेन के बैक साइड में जा रहा है, ये चीज यहां पर प्लेन के फ्रंट पर आ रही है पूरी पूरी CH3, और ये कहीं ना कहीं प्लेन के बैक साइड में जा रही है CH3, ये यहां पर CH3 है और यहां पर CH3। अब भैया, ये पार्ट तो प्लेन के यहां आ गया और ये पार्ट प्लेन के पीछे चला गया, यानी कि हाफ पार्ट ये आ गया फ्रंट ऑफ प्लेन, और ये जो हाफ पार्ट है ये पहुंच गया बैक ऑफ प्लेन। अगर ऐसा हो गया तो
अब इसका इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी, अब इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि जो रिपल्सन फोर्स काम कर रहा था वो रिपल्सन फोर्स खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों रिंग्स कोप्लेनर नहीं है। नाउ दीज टू रिंग्स आर नॉट कोप्लेनर। अब ये किसी भी तरह से कोप्लेनरिटी में नहीं रह गई। मेरी बातों को दोबारा सुन लीजिए अच्छी तरीके से। स्टेरिक वर्ड कहां से आया? स्टेरिक का मतलब है थ्री डायमेंशनल। कहीं पर भी अगर थ्री डायमेंशनल क्राउडिंग इस हद तक चली जाती है कि ग्रुप्स ओवरलैप करने लग जाते हैं, इनके बीच में कोई कोण नहीं है फिर भी ओवरलैपिंग करने लग जाती है, वहां पर स्टेरिक इफेक्ट वर्क करना शुरू कर देता है। आप इसको देखिए, ये अनसब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल है, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इस सिचुएशन में ये और ये दोनों रिंग्स कोप्लेनर हैं। भैया सिंगल अगर इसकी एग्जिस्टेंस है तो प्लेनरिटी है, अकेले ये एग्जिस्ट कर रही है तो प्लेनरिटी है, कहीं कोई रिपल्सन वगैरह नहीं है तो दोनों रिंग्स कोप्लेनर हैं। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं, इन दैट केस अगर हम इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, ये इसको नियरली ओवरलैप करने लग जाता है। इसका मतलब है कि इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं जबरदस्त रिपल्सन फोर्स काम करने लग जाएगा, ये इसको कहीं ना कहीं ओवरलैप करने लग जाता है। इसका मतलब है इसके इसके बीच में कहीं ना कहीं जबरदस्त रिपल्सन फोर्स काम करने लग जाएगा। रिपल्सन फोर्स को खत्म करना है भाई, झगड़ा नहीं, झगड़े का मतलब है रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब झगड़ा। मोलिक्यूल में रिपल्सन मिनिमाइज होना चाहिए, तो अब रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट प्लेन के यहां आ जाएगा और ये वाला पार्ट प्लेन के पीछे चला जाएगा, ये वाला पार्ट बोर्ड के इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट बोर्ड के पीछे चला जाएगा। इसका मतलब है ये प्लेनर है और इसके 90 डिग्री पर ये है, इसके 90 डिग्री पर ये है। अब कहीं से कहीं तक कोई भी रिपल्सन नहीं है, इसका मतलब है ये और ये रिंग्स अब कोप्लेनर नहीं। अगर एक रिंग इस बोर्ड पर है तो दूसरी रिंग इस तरीके से है, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से खड़ी हुई है दूसरी रिंग। मुझे नहीं लगता है अब आपको इसमें कोई दिक्कत बची होगी। आगे चलते हैं। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, देखिए ये क्वेश्चन भी पॉपुलर क्वेश्चन है काफी। सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर H, H और H इस तरीके से बना देगा, एग्जाम्स में इस तरीके से बना होगा। इस लेंथ को वो L1 कह सकता है, इस वाली लेंथ को वो L2 कह सकता है, ये इस लेंथ को, और फिर पूछेगा कि L1 L2 में क्या रिलेशन है। आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2, ए ऑप्शन कर सकते हैं L1 इज इक्वल टू L2, बी ऑप्शन कर सकते हैं L1 ग्रेटर देन L2, सी ऑप्शन कर सकते हैं L1 लेस देन L2, डी ऑप्शन कर सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल और नन, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी दे सकता है वो, तो उसकी इच्छा है। मेरे बच्चों यूजली बच्चा यही कहता है L2 ग्रेटर देन L1, गलत बात है, ये दोनों सेम आएंगे। कैसे सेम आएंगे? आपको इसकी 3D पिक्चर डेवलप करनी होगी। कल मैंने इसकी 3D पिक्चर बता दी थी कि इसकी 3D बननी कैसे है,
कल मैंने इसको पूरा हिसाब किताब समझा दिया था, इसकी 3D जो है वो बन करके कैसे सामने आती है इसको मैं अच्छी तरीके से समझा चुका था। और अगर मैं इसकी 3D समझा चुका था तो इसकी 3D क्या आएगी भाई, इसकी 3D आएगी C डबल बॉन्ड C, एक प्लेन के ऊपर रहेगा ये H, अगर प्लेन के ऊपर है तो एक कहीं प्लेन के नीचे रहेगा, ये वाला H प्लेन पर है, ये वाला H प्लेन पर है। दोबारा समझिए, ये कहीं प्लेन के यहां पर है और ये इस प्लेन के पीछे है। मेरे बच्चों ये भी एक तरह से डायगोनल लेंथ हो गई, ये भी एक तरह से डायगोनल हो गया। अरे भैया ये प्लेन के यहां पर है तो इस लेंथ को देखो डायगोनल हो गई, और अगर आप इस लेंथ को देखेंगे तो ये भी डायगोनल हो गई। और अब इस पिक्चर से पता चल गया आपको कि L1 इज इक्वल टू L2 है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वो, असाइनमेंट में भी मैंने रख रखा है इसे, C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H। मैंने 50 बार आपसे कहा है रोटेशन की जरूरत नहीं है, इसमें रोटेशन की जरूरत नहीं है। अगर रोटेशन की जरूरत नहीं है तो अगर ये L1 है और ये L2 है तो मेरे दोस्तों ये भी प्लेन पर है, ये पूरी तरह से प्लेनर है, तो उस केस में ओबियस सी बात है L2 ग्रेटर देन L1 होगा। चलिए कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं, ये सब मैंने असाइनमेंट में रख रखा है और आपको शायद इसमें काफी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो गई होगी, क्योंकि इसकी जो 3D का चक्कर है ये कल मैं आपको समझा चुका हूं। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो तो क्या करना है, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो तो क्या करना है, ये सब बात मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं। तो फिर आगे चलते हैं, देखो अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, और यहां पर CH3 है, तो ऐसे सीन में कौन सी रिंग किसके प्लेनर पर है ये अगर आता है तो देखो, यहां पर जबरदस्त स्टेरिक रिपल्सन लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी स्टेरिक रिपल्सन लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी स्टेरिक रिपल्सन लगेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। ये इसे नियरली ओवरलैप करने की सिचुएशन में होगा, वो ओवरलैपिंग करके लिख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ओवरलैप करने की हालत में, ये ओवरलैप करने की हालत में, ये ओवरलैपिंग। तो एक बात तो श्योर है कि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो जरूर होगा। आप कह सकते हैं यहां से यहां तक एक बात तो कह सकते हैं, दीज थ्री फिनाइल रिंग्स आर नॉट कोप्लेनर। क्यों? आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है खूब अच्छी तरीके से कि इस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इसमें 90 डिग्री का रिपल्सन हो जाएगा, ये वाली रिंग 90 डिग्री रोटेट करेगी। तो अगर आप बीच की रिंग को 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो फिर क्या सीन बन के तैयार होता है? अगर आप बीच की रिंग को 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो
तो सीन क्या बन के तैयार होता है उसे देखो। यहां पर इस तरीके से कुछ सीन रहेगा, समझिए, ये प्लेन के ऊपर जाएगा, जैसा कि मैंने समझाया था आपको, यानी कि इस तरीके से बाहर की तरफ आएगा। मैं समझा चुका हूं आपको, इसीलिए मुझे अब दिक्कत नहीं है। और ये प्लेन के पीछे जाएगा, बिहाइंड द प्लेन जाएगा। ये आपके पास प्लेन के बाहर की तरफ आएगा, फ्रंट की तरफ आएगा, और कहीं ना कहीं ये प्लेन के पीछे जाएगा। ये CH3 जो है ये प्लेन के बाहर आएगा, और ये जो CH3 है यहां पर ये प्लेन के पीछे जाएगा। ये वाला CH3 कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वाले CH3 को कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले CH3 को कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले CH3 कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला CH3 ये प्लेन के बाहर आएगा, इस तरीके से चलेगा, ये प्लेन के बाहर आएगा।